दिया है उसमें आपका एक क्वेश्चन है, शायद आप लगा नहीं पाया कहीं पे कुछ है कन्फ्यूजन, देख लीजिए उसको। समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन टू द पावर एन अपान एन जेड माइनस टू आई टू द पावर एन। कुछ लोग शायद किए भी होंगे, है ना, जो नहीं किए हैं या जो कन्फ्यूज हैं कहीं पर वो अपना देख ले मिला लेंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अब मुझे इसका निकालना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तिवारी घबराइएगा मत, अभी मैं टॉपिक चेंज करने वाला हूँ। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका निकालना है, होमवर्क दिया था। तो यहाँ पे ए एन की जब मैं बात करूँगा, ए एन तो माइनस वन टू द पावर एन अपान एन। देखिए मैंने बताया नहीं था पहले ही कि जो पावर सीरीज होता है या तो इस फॉर्म का होगा या तो जेड माइनस ए टू द पावर एन फॉर्म का। और मैं पहले दिन आपको क्लास में बता दिया था कि ये दोनों रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको खाली इससे मतलब है, चाहे इस फॉर्म में दिया हो चाहे इस फॉर्म में दिया हो, है ना, उससे कोई चेंजिंग नहीं आएगा, खाली हमको ए एन पता करना है। तो ए एन क्या है, माइनस वन टू द पावर एन अपान एन, ठीक है, ये हमारा ए एन है। अच्छा अब हम यहाँ पे ए एन टू द पावर वन अपान एन लगाएंगे, समझिएगा यहाँ पे अगर मैं उसको लगाऊंगा तो ठीक है यह तो कट जाएगा, लेकिन एन के पावर वन अपान एन आएगा, थोड़ा सा आप खुद फंसेंगे। लगा सकते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए सबसे ईजी होगा कि आप ए एन प्लस वन निकाल लीजिए, सबसे ईजी होगा। क्यों, क्योंकि जब ए एन प्लस वन निकाल लेंगे तो माइनस वन टू द पावर क्या हो जाएगा, एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, ये हो जाएगा, है ना, ये सबसे ईजी पड़ेगा आपके लिए। दो फॉर्मूले बताया हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चन दोनों फॉर्मूले से लग जाएंगे, अब कुछ क्वेश्चन जो है किसी विशेष से लगेंगे। तो देखिए ये वाला इससे भी लग जाएगा, कैसे देखिए, क्योंकि माइनस वन की पावर एन है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो अब फॉर्मूला मैंने बताया था वन अपान आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अमॉड ए एन प्लस वन अपान ए एन, ये तो बताया था ना आपको। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, यहाँ देखिए तो ए एन प्लस वन तो माइनस वन टू द पावर एन इंटू माइनस वन, यही ना होगा, अपान एन प्लस वन, क्लियर है, यह हो गया ए एन प्लस वन अपान ए एन, इसको करेंगे अपान में, एन जाएगा ऊपर माइनस वन टू द पावर एन, क्लियर है, इससे यह हो जाएगा कैंसिल। तो क्या मिल गया, लिमिट, क्लियर है ना सबको, एन टेंस टू इन्फिनिटी माइनस एन अपान एन प्लस वन, एन कॉमन कर लें, एन क्या कर लें, कॉमन हो जाएगा लिमिट। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पूरा मॉड में, तो इस माइनस का काम खत्म हो जाएगा, बात समझ में आई ना। क्योंकि ऐसे भी समझ लो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल रहे हैं, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सर्किल का रेडियस होता है, तो रेडियस माइनस दो माइनस तीन थोड़ी बोलेंगे ना, रेडियस दो तीन ऐसे ही बोला जाएगा। तो ये देखिए आप हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ हो जाएगा एन कर लेंगे कॉमन, जब कर लेंगे कॉमन एन यहाँ से तो हो जाएगा वन, एन कॉमन यहाँ से भी तो कट जाएगा, यहाँ से एन कॉमन करेंगे यहाँ वाले एन से कट जाएगा, तो वन प्लस वन अपान एन ऑपरेट कर दीजिए, ये जीरो हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा वन, तो आर इक्वल टू क्या हो गया वन, दिस इज योर आंसर, ठीक है, यहाँ से इजीली कर लिए। वैसे क्या करते हैं, अगर पावर चढ़ाते हो एन की पावर वन अपान एन, तो यहाँ जब पावर चढ़ाते ना तो उसके लिए लॉग से सॉल्व करते हो उसको, वो लॉग में ले जाते, तो थोड़ा सा टफ होता आपके लिए, बट ये बहुत ईजी था, ऐसे कर लीजिए, दोनों से ट्राई करना चाहिए था आपको, कर लीजिए, जो लोग नहीं किए उसको कर लें, हैं, हाँ वो बता देते हैं, तीसरा का बताते हैं, इसको पहले कर लीजिए, हाँ भाई तीसरा लाख में जो है ना, हाँ बता देते हैं आपको, बड़ा पाँचों बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत जब भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्वेश्चन लगाइए, मान लीजिए आपको ऐसा दिखा कि यार हम जो है लगा देते हैं कोची वाले से, और या आप लगा देते हैं सॉरी पावर वन अपान एन वाले से लगाएं, या आप लगा रहे हैं ए एन प्लस वन अपान एन वाले से, तो खुश रहिए खुश रहिए। कैसा गया पेपर आप लोगों का, बहुत अच्छा हो गया भाई, ठीक है ठीक मिटाएं इसको, चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस दो एक लॉग वाला क्वेश्चन है दोस्त को, कौन सा है किधर है, यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका ये है, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी लॉग एन टू द पावर एन जेड टू द पावर एन, ठीक है आपका ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया लॉग एन टू द पावर एन और जेड टू द पावर एन, ठीक है।
अच्छा अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे an पता कर लीजिए, तो an कितना है, log n टू दी पावर n, यही तो हमारा an है, ये हमारा an है। अब आप खुद सोच के बताओ क्या इजी होगा आपके लिए, पावर वन अपान n वाला फार्मूला कि an प्लस वन निकालें। अब यहाँ पे पावर वन अपान n वाला फार्मूला ही बहुत सटीक रहेगा, तुरंत तक कट जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, लगाते हैं फार्मूला, एक फार्मूला आपका देखिए ये भी है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, ए एन टू दी पावर वन अपान एन, क्लियर है ना, यही है ना फार्मूला आपके पास। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, चलिए देखिए यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे तो ए एन का वैल्यू कितना है, लॉग n, है ना, टू दी पावर आपका जो है, अच्छा पहले ये तो n है, ये है, अब उसके पावर वन अपान n कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और लॉग n, ठीक है ना, ये आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि रख देंगे यहाँ पे तो लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो वन अपान r इक्वल टू इन्फिनिटी देन r इक्वल टू जीरो, दिस इज योर आंसर। हाँ हाँ ये क्या दिक्कत है, ठीक है, किए ना आप लोग, कुछ बचेगा कि एक क्वेश्चन और है, समेशन n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी और n रूट टू प्लस वन है भाई, ए आई है, ठीक है, और वन प्लस, मुझे भी लग रहा था कि आई है इसलिए मैंने पूछा कि वन है कि क्या है, इन्होंने वन लिखा हुआ है इसलिए परेशान भी शायद हुई होंगी कुछ, अरे ये क्वेश्चन है ना भाई, कोई डाउट नहीं, तो सीधे सीधे हमारे पास ए एन है ना, ये क्या है ए एन, ए एन कितना है, एन रूट टू प्लस का आई और वन प्लस टू आई एन, है ना, ये इस तरीके से हो गया। अच्छा जो भी फार्मूला लगाते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए, आप देखते हैं कि उस फार्मूले में हम लोग मॉड लेते हैं जरूर, मॉड ए एन के पावर वन अपान एन, मॉड ए एन प्लस वन अपान ए एन, है ना, पहले आप मॉड लेके ये जो आई वाला मैटर है ना इसको हटा दीजिए, है ना, मॉड ले लेते हैं, चलिए मॉड लेते हैं बेटा, तो कितना आएगा देखिए मॉड लेने पर, तो आप मॉड ए एन कितना जाएगा यहाँ पे, मॉड एन रूट टू प्लस का आई और वन प्लस आई इंटू टू एन, क्लियर है, मॉड ले लेते हैं, तो रूट मॉड एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट में आपको जाएगा टू एन स्क्वायर, है ना, और प्लस का वन इसके पावर हाफ, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी यहाँ फोर एन स्क्वायर बोलो प्लस का वन, मतलब टोटल आपका कितना हो गया, टोटल का पावर हाफ, क्लियर है, ऐसा हो गया। चलिए काम करते हैं कि इसी निकाल लेते हैं, वन अपान आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ए एन टू दी पावर वन अपान एन से ही निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन किया था वन अपान एन करके, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब पावर वन अपान एन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, वन अपान टू एन हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आपको मिल जाएगा यहाँ पे टू एन स्क्वायर प्लस का वन और फोर एन स्क्वायर प्लस का वन, ये है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा वन अपान टू एन। अब यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन कर लो, एन स्क्वायर कॉमन कर लो, जब कॉमन कर लोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्लियर है, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ जब एन स्क्वायर आप कॉमन करोगे, आप एक काम कीजिए कि यहाँ से पूरा टू एन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए और यहाँ से फोर एन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, है ना, जब टू एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ से फोर एन स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो देखिए आप कॉमन जब करेंगे तो बाहर ऐसे निकलेगा, पहले अभी अंदर ही अंदर, अंदर अंदर ये कट जाएगा और ये भी कटेगा तो वन अपान टू हो जाएगा, और जब वन अपान टू को बाहर करेंगे तो वन अपान टू के पावर वन अपान टू एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई पावर के रूप में तो निकल के बाहर आएगा, और यहाँ आपने कॉमन किया टू एन स्क्वायर तो वन प्लस वन अपान टू एन स्क्वायर, यहाँ कॉमन किया फोर एन स्क्वायर वन प्लस वन अपान फोर एन स्क्वायर के पावर वन अपान, क्लियर है। अब लिमिट को हम लगा देते हैं तो क्या मिलेगा लगाने पर, एन टेंस टू जब इन्फिनिटी करेंगे, ध्यान देना एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो वन अपान इन्फिनिटी जीरो, टू के पावर जीरो मतलब वन, तो ये आपका हो जाएगा वन, है ना, यहाँ आ जाओ, यहाँ रखेंगे जब इन्फिनिटी वन अपान इन्फिनिटी जीरो, वन अपान इन्फिनिटी जीरो ये भी आएगा वन, पावर यहाँ रखेंगे इन्फिनिटी तो वन अपान इन्फिनिटी जीरो तो वन के पावर जीरो, मीन्स यू गेट वन विच इम्प्लाइज आर इक्वल टू वन, दिस इज योर आंसर, ठीक है।
एज ए चैप्टर ग्रुप में आप हेडिंग कीजिए कन्फर्मल रिप्रेजेंटेशन, कन्फर्मल, ठीक है, एज ए चैप्टर ग्रुप में लिखेगा आप कन्फर्मल, कन्फर्मल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कन्फर्मल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब उसमें आप हेडिंग करेंगे कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें हेडिंग करेंगे आप कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे एक चैप्टर है कन्फर्मल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम बात करें कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखो ध्यान से समझिएगा। एफ जेड इक्वल टू आप जानते हैं, पहले ऐसे जान लीजिए, जेड इक्वल टू आपका होता है एक्स प्लस आई वाई, क्लियर। जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई। अगर इसको मुझे प्लेन पे दिखाना हो, ठीक है, तो इस प्लेन को हम बोलते हैं जेड प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, जेड प्लेन। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएं, कहाँ दिखाएंगे, जेड प्लेन पे। कहाँ दिखाते हैं, जेड प्लेन। जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3 आई, कहाँ होगा, इसका मतलब 2, 3, क्लियर है इतना सबको। 2, 3 मतलब 1, 2, 1, 2, 3, मतलब यहीं पे है आपका, यही आपका 2 + 3 है या 2, 3 है। तो ये कहाँ दिखा रहे हैं, जेड प्लेन। ठीक, फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एफ जेड, जिसको डब्ल्यू से दिखाते हैं, और ये होता है यू प्लस आई भी, यू प्लस आई भी, है ना। अब एक प्लेन हम यहाँ और डिस्कस करेंगे, एक नया प्लेन आपको पढ़ने को मिलेगा, इसे बोलेंगे डब्लू प्लेन। क्या बोलेंगे, डब्लू प्लेन। ठीक है, अब इस डब्लू प्लेन में यह यू रहेगा और ये क्या रहेगा, भाई देखो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और डब्लू इक्वल टू यू प्लस आई भी। तो देखो इस चैप्टर में पढ़ना क्या मालूम है, इस चैप्टर में, अरे गुरुदेव एक